हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अगर फ्रेंड्स आपके पास है Realme का 6 Pro और आपको करना है इस फोन के अंदर एप्लीकेशन हाइड, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इस फोन में आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई गेम वगैरह आपने इस फोन में इंस्टॉल किया है उसको हाइड करना है, या फिर किसी भी हिडन ऐप्स को आपको अनहाइड करना है, तो ये भी आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। बस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको अपनी फोन की सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करके आपको यहां से हल्का सा इस तरीके से स्क्रॉल करना है। आपको देखने को मिलेगा प्राइवेसी ऑप्शन, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करके आपको हाइड ऐप्स ऑप्शन देखेगा, इस पर जाइए। इस पर जाने के बाद अब आपको वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करने हैं जिनको भी आप हाइड करना चाहते हैं। आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हाइड करना, तो इस पर इस तरीके से क्लिक कीजिए। सेटिंग आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। आपसे यहां पे 6 अंकों का पासवर्ड लगाने के लिए बोला जाता है, तो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। इसको चेंज करना है तो यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर इस पर क्लिक कीजिए, और यहां से चेंज भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे आपको कई ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कौन सा आपको लॉक लगाना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे आपको ये 2 बार लगाना पड़ेगा। इसके बाद अब आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करना है। अगर फ्रेंड्स आपने इस फोन में ऐप लॉक वगैरह लगा रखा है पहले से, तो आपको वही ही लॉक यहां पे लगाना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जरूर से डालिए, और आपको याद भी रखना है कि आपने डाला है, क्योंकि आपके जब ये काम आएगा, जब अपना कोई भी लॉक वगैरह आपने लगाया इस फोन में उसको भूल जाते हैं, तब ये आपके काम आता है। तो सेटिंग देखिएगा आपको फिर से यहां पे, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको एक एक्सेस कोड बनाना है, जो कि आप अपने एप्लीकेशन को हाइड एप्लीकेशन को निकालेंगे उनको चलाना चाहते हैं, वो डाल के आप यहां पे लगा सकते हैं। क्या लगाना चाहते हैं यहां पे, आप 1 अंक से लेकर 16 अंक तक का लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो यहां पे मैं 1 2 3 4 डाल देता हूं। इस तरीके से डाल के आपको फिर से हैश टाइप करना है। हैश टाइप करने का सही आइकन देखेगा, इस पर जाना है और डन यहाँ पे कर देना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इनको एक्सेस कैसे करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से इनेबल कराइए तो आपके हाइड हो जाते हैं। हिडन ऐप्स आपको देखने कौन कौन से हाइड कर रखे हैं, तो इस पर क्लिक करके आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो आपका हिडन ऐप्स का ऑप्शन। इनको एक्सेस करने के लिए डायलर में जाइए, या डायलर में आपको डायल करना है जो भी आपने कोड बनाया था वो। जैसे आप कोड के लिए डायल करेंगे, आपके सामने जो भी हिडन ऐप्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे हिडन ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके हिडन ऐप्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है फोन कॉन्टैक्ट। सिंपल इस तरीके से क्लिक करके आपको डायलर दिखेगा, इस पर जाना है, ये आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद जो भी आपके एप्लीकेशन है आपके शो नहीं हो रहे हैं, तो इस तरीके से भी वो शो हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं इस फोन में एप्लीकेशन को हाइड। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।